भूषण शरण सिंह मामले में एसआईटी की टीम गठित कर दी गई है जो कि जांच कर रही है, और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस भी लगातार जांच कर रही है। लेकिन पहलवानों ने कहा कि इतनी जांच की कोई आवश्यकता नहीं, हम जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और इसका पर्दाफाश करने के लिए आप अभी के अभी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नार्को टेस्ट करा लीजिए, और नार्को टेस्ट से पर्दाफाश हो जाएगा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ। अगर ब्रजभूषण शरण सिंह इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी सारी बातें कर रहे हैं तो उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ उन्हें नार्को टेस्ट का भी सामना करना चाहिए। जी आप सभी को बता दें कि अलग अलग राज्यों में छापेमारी जारी है, यहां पर पुलिस टीम की एसआईटी टीम जो गठित की गई जिसमें महिला पुलिस अधिकारी बताई गई वो लगातार छापेमारी कई अलग अलग ठिकानों पर कर रहे हैं ताकि कुछ बड़े सबूत बरामद किए जा सके। छापेमारी तो नहीं कहेंगे, जांच कहेंगे उसे, लेकिन यहां पर महिला पहलवानों ने कहा कि इस जांच में तो काफी वक्त बीत जाएगा क्योंकि अलग अलग राज्यों में आप जाकर छानबीन करोगे, विदेशी होटलों में जाकर वहां पर पूछताछ करोगे कौन आया कौन गया, अलग अलग के पासपोर्ट चेक करना, फोन डिटेल चेक करना, उन सबसे अच्छा सबसे आसान तरीका आप ये करिए फैसला कि आप कहीं ना कहीं ब्रजभूषण को भी ले आइए और हमको भी सामने रखिए और सातों महिला पहलवानों को भी सामने रखिए और अभी करा लीजिए नार्को टेस्ट, और नार्को टेस्ट से सारा सच सामने आ जाएगा। लेकिन आपको बता दे कोर्ट इतनी आसानी से नार्को टेस्ट को मान्यता नहीं देता क्योंकि उसमें ज्यादातर सच होता है या नहीं या भली भांति जानते हैं, क्योंकि आधी नींद में शख्स क्या बोल रहा है क्या नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसी वजह से कोर्ट में इतनी मान्यता नहीं है। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस या कोई बड़ी जांच कमेटी इस पर पुष्टि करती नजर आए तो शायद मामला आगे बढ़ता नजर आए। लेकिन महिला पहलवानों ने इस मामले को आसानी से हल करने के लिए सीधा तौर पर एक रास्ता बताया कि आप आसानी से इस मामले को हल कर सकते हैं नार्को टेस्ट के जरिए। जो इनका कॉन्फिडेंट है ना, जो इनका गुरूर है, जो इनका घमंड है, वो इस नार्को टेस्ट के जरिए टूट जाएगा। अगर नहीं टूटा और महिला पहलवान गलत निकली तो चढ़ा देना इनको फांसी पे, जिस तरीके से बातें की गई चौंकाने वाले हैं। देखते हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया की इस मांग को पूरा किया जाता है या नहीं, या फिर दिल्ली पुलिस अपने ही मनमाने तरीके से जो कि पहलवानों का कहना वो जांच करती रहेगी। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।